पांच साल में सात साल में मोदी जी ने एक काम नहीं करा केंद्र सरकार में, योगी जी ने एक काम नहीं करा उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस वालों ने एक काम नहीं करा सत्तर साल में। अब इनको वोट मांगने के लिए क्या कहना पड़ रहा है? केजरीवाल आतंकवादी है। बताओ कोई आतंकवादी स्कूल बनवाता है दुनिया में? कोई आतंकवादी हो? कोई आतंकवादी अस्पताल बनवाता है? कोई आतंकवादी बच्चों की पढ़ाई करवाता है? कोई आतंकवादी बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाता है? कोई आतंकवादी सैनिकों को, शहीद सैनिकों को एक एक करोड़ रुपए देता है? कह रहे केजरीवाल आतंकवादी है। कवि है, कोई गाजियाबाद में रहता है, कोई कवि कह रहे, वो कवि कह रहा था कि केजरीवाल आतंकवादी है। इन्होंने कॉमेडी कर रखी है देश की सिक्योरिटी की। मैं उत्तर प्रदेश के किसानों को कहना चाहता हूँ, इस बार जब बटन दबाने जाओ इनको बता देना कौन आतंकवादी है, कौन ये आतंकवादी है कि तुम आतंकवादी। सारे साइकिल चलाने वाले जब बटन दबाने जाओ तो बता देना बीजेपी वाले आतंकवादी हैं कि साइकिल चलाने वाले आतंकवादी हैं। जब 100-100 मील तक बच्चा भ्रष्टाचार करता है तो माँ कहती है बेटा सो जा नहीं तो केजरीवाल आ जाएगा। दिल्ली से बीजेपी और कांग्रेस दोनों साफ हो गई, दोनों पार्टियां खत्म हो गई भी दिल्ली से। यहाँ भी उत्तर प्रदेश में एक बार मौका दे दो, देखो सारी पार्टियां साफ हो जाएंगी। अगर हमारी जरूरत पड़ी और अगर हम सरकार में शामिल हुए तो जिसकी भी सरकार होगी उसे गारंटी मैं पूरी करा दूंगा सारी। हम आगे ये काम करेंगे, हमें वोट दो। इनके पास काम नहीं है गिनाने को। पांच साल में सात साल में मोदी जी ने एक काम नहीं करा केंद्र सरकार में, योगी जी ने एक काम नहीं करा उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस वालों ने एक काम नहीं करा सत्तर साल में। अब इनको वोट मांगने के लिए क्या कहना पड़ रहा है? केजरीवाल आतंकवादी है। केजरीवाल को आतंकवादी क्या क्या वोट मांग रहे? मैंने क्या आतंकवाद? बताओ कोई आतंकवादी स्कूल बनवाता है दुनिया में? कोई आतंकवादी हो? कोई आतंकवादी अस्पताल बनवाता है? कोई आतंकवादी बच्चों की पढ़ाई करवाता है? कोई आतंकवादी बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाता है? कोई आतंकवादी सैनिकों को, शहीद सैनिकों को एक एक करोड़ रुपए देता है? कह रहे केजरीवाल आतंकवादी है। उन्होंने ईडी की रेड कराई, रॉ की रेड कराई, दिल्ली पुलिस की रेड कराई, सारी रेड करा ली मेरे ऊपर। मैंने कहा जी कुछ मिला? बोले नहीं मिला। तो मैंने कहा फिर? बोले वो एक कवि है, उसके वो बता रहा था कि आप एक कवि है, कोई गाजियाबाद में रहता है, कोई कवि कह रहे, वो कवि कह रहा था कि केजरीवाल आतंकवादी है। उसके सपने में आया था, उसके सपने में आया था कि सात साल पहले मैं उस कवि को ये क्या। वो बच्चे समझ गए भ्रष्टाचार का किसका? वो कहते जी उस कवि के सपने में आया था कि सात साल पहले मैं उस कवि को कह रहा था कि मैं भारत के दो टुकड़े कर दूंगा और एक टुकड़े का प्रधानमंत्री मैं बन जाऊंगा। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी मैं कहां भारत के दो टुकड़े कर दूंगा? आपकी ईडी को नहीं पता चला, रॉ को नहीं पता चला, सीबीआई को नहीं पता चला, इनकम टैक्स को नहीं। मैंने कहा एक काम करो ना, ये सारी बंद कर दो एजेंसी, उस कवि को ही रख लो, वही बता दिया करेगा सपने में क्या आ रहा है और सपने में क्या नहीं आ रहा। ये बंद कर दो सीबीआई, बंद कर दो रॉ, बंद कर दो ईडी, फीडी, क्या दुखी कर रखा है दुनिया को, उस कवि को ही रख लो अपने दफ्तर में, वो कवि बता दिया करेगा। तो इन्होंने तमाशा कर रखा है देश की सिक्योरिटी का, इन्होंने कॉमेडी कर रखी है देश की सिक्योरिटी की। जिसको मर्जी देखो आतंकवादी बोल देते हैं। कल ये थोड़े दिन पहले जब किसानों का आंदोलन चल रहा था तो कहते हैं देश के सारे किसान आतंकवादी हैं। मैं उत्तर प्रदेश के किसानों को कहना चाहता हूँ, इस बार जब बटन दबाने जाओ इनको बता देना कौन आतंकवादी है, कौन ये आतंकवादी है कि तुम आतंकवादी। भारत माता की। कल मैंने सुना प्रधानमंत्री जी आके बोले देश में जो साइकिल चलाता है सारे आतंकवादी हैं। मैं जितने साइकिल चलाने वाले हैं भाई साहब, ये गरीबों के ऊपर चोट है, गरीबों को, सारे गरीबों को प्रधानमंत्री जी आतंकवादी बोल रहे हैं। जितने साइकिल चलाते हैं सारे साइकिल चलाने वाले जब बटन दबाने जाओ तो बता देना बीजेपी वाले आतंकवादी हैं कि साइकिल चलाने वाले आतंकवादी हैं। केजरीवाल वो आतंकवादी है जो भ्रष्टाचारियों को डराता है। वो शोले पिक्चर में डायलॉग है ना, जब 100-100 मील तक बच्चा भ्रष्टाचार करता है तो माँ कहती है बेटा सो जा नहीं तो केजरीवाल आ जाएगा। भ्रष्टाचार का निवेदन है आपके जितने यार दोस्त रिश्तेदार दिल्ली में रहते हो उनको फोन कर लेना,
उनको फोन करके पूछना भाई दिल्ली में केजरीवाल ने कुछ काम करा, दिल्ली में केजरीवाल के काम से खुश हो। अगर वो कहें कि खुश नहीं है, मेरे को यहाँ पे यूपी में वोट मत देना। दिल्ली का एक एक आदमी खुश है भाई साहब, हमारे काम से एक एक आदमी खुश है। पहले 67 सीट दी, उसके बाद 62 सीट दी दिल्ली से, बीजेपी और कांग्रेस दोनों साफ हो गई, दोनों पार्टियां खत्म हो गई भी दिल्ली से। यहाँ भी उत्तर प्रदेश में एक बार मौका दे दो, देखो सारी पार्टियां साफ हो जाएंगी। मेरे पास एक आदमी आया, बोला केजरीवाल जी गारंटी तो बड़ी बड़ी कर रहे हो, जीतोगे क्या? मैंने कहा देखो भाई साहब, सारे जो सर्वे आ रहे हैं वो सर्वे ये दिखा रहे हैं कि हंग हो सकता है, हो सकता है कि किसी को भी बहुमत ना मिले। तो बीजेपी को बाहर रखने के लिए अगर हमारी जरूरत पड़ी और अगर हम सरकार में शामिल हुए तो जिसकी भी सरकार होगी उसे गारंटी मैं पूरी करा दूंगा सारी। तो ये सारी बढ़ चढ़ के वोट देना, जितनी भी सीटें आए चिंता मत करना, जितनी भी सीटें आएंगी अगर हंग हाउस हुआ बीजेपी को बाहर रखने के लिए, अगर हम सरकार में गए सारी गारंटियां मैं पूरी करा दूंगा, जितनी गारंटियां मैं देके जा रहा हूं।